नमस्कार प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ते के साथ ही वहां पर जो पाबंदियां हैं और सख्त कर दी गई हैं। लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए सुरक्षा बल हो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बिल्कुल सतर्कता बरत रहे हैं। लोगों को बेवजह निकलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इन सबके चलते जो लोग रोज कमाकर खाते हैं उन सबके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। खासतौर पर हम बात कर रहे हैं कश्मीर घाटी में जो टैक्सी ड्राइवर हैं या जो ऑटो चालक हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अब अन्य लोग जो हैं उनको फिर भी प्रशासन से किसी तरह की मदद मिल जा रही है, लेकिन प्रशासन के पास अभी तक इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है कि चाहे वो बस के ड्राइवर हों, बस के कंडक्टर हों, या जो ऑटो रिक्शा चालक हैं या जो टैक्सी चालक हैं, उनको किस तरह से मदद की जा सकती है। दिल्ली में हमने देखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा चालकों को, टैक्सी ड्राइवरों के लिए कुछ घोषणा की थी। आप हालांकि वो अभी तक अमल में नहीं लाई जा सकी है, लेकिन ऐसी ही कुछ घोषणाएं अन्य राज्य सरकारों ने भी की है। जम्मू कश्मीर के भी जो टैक्सी ड्राइवर हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं, वो मांग कर रहे हैं कि उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए, सरकार की तरफ से कुछ सहायता राशि दी जाए। देखिए, आप पूरे श्रीनगर घाटी में ये जो हमारे जो टैक्सी स्टैंड है वो सारे के सारे खाली पड़े हैं। सब जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं इसमें बेरोजगार हैं। इन लोगों की शिकायत है कि जो 10-15 दिन के पास 10-15 दिन का खर्चा चलाने के लिए पैसे थे, अब वो खत्म होने वाले हैं। अब आगे क्या होगा ये नहीं जानते। इनकी सरकार से पुरजोर मांग है कि जल्द से जल्द कोई राहत के उपाय किए जाएं। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ जो ऑटो रिक्शा चालक हैं उनकी बात, वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या परेशानी है, और श्रीनगर के एडीसी से भी जानेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस बात का कोई प्रबंध किया है कि इन लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाए। आइए देखते हैं। जी, मैं ऑटो चला रहा हूँ जनाब। बहुत मुश्किल है हमें, बिल्कुल जो हम दिन को कमाते थे शाम को खाते थे, अब हमें बिल्कुल नहीं मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन 5 दिन 10 दिन निकल सकते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। आखिर हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें भी जिस तरह दिल्ली में गवर्नमेंट ने दिया है ऑटो वालों, टैक्सी ड्राइवर वालों को या मज़दूरों को दिया है, इसी तरह हमें भी यहाँ मिलना चाहे, वो तो बहुत मेहरबानी होगी गवर्नमेंट की, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट की। सर, मैं ऑटो चला रहा हूँ। पिछले दिनों से जब ये हालात बंद हो गए तब से ऑटो हमारा बंद है, तो हमारे पास जो 10-15 दिन का जो राशन वाशन था वो अब ख़त्म हो रहा है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे दिल्ली में या बाकी स्टेटों में गवर्नमेंट, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने किया है, उनको दिया है, जो ये मज़दूर है ऑटो चलाते थे और ये टैक्सी ड्राइवर थे उनको भी दिया। हम भी यहाँ पे गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि हमें भी कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। गवर्नर साहब से हम पुरजोर अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी है बेरोज़गार है, अब उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, उनके लिए कुछ बंदोबस्त करें। मैं जनाब ऑटो चल रहा हूँ, 30 साल से मैं ऑटो चला रहा हूँ। मेरे बच्चे है, 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, बड़ी है। हमारा गुजारा वही है, हमारा गुजारा और कुछ नहीं है। मैं अब इस्तिजा कर रहा हूँ गवर्नमेंट से, जो बाकी स्टेटों को मदद किया गया वो मदद हमें भी किया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत जो ऑटो ड्राइवर है उनके पास गुजारा उतना नहीं है। जो झोपड़ी में रहता है वो बेचारे भी ऑटो चला रहे हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ आप हमारी तरफ भी नज़रियासानी करें। जहाँ तक आपकी पहली बात है कि अगर कोई गरीब है तो उसके लिए क्या मदद की जाती है, मैं दावे के साथ ये कहूँगा कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा काम गरीबों की भलाई के लिए होता है, खासकर जो बीमारी की वजह से, किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से, या सीए पेशेंट्स हो या बाकी जो इस मोहलिक बीमारियों की तरफ जुड़े हैं, खामोशी के साथ उनकी मदद की जाती है और सबसे ज़्यादा मदद की जाती है। अब आप दूसरे पहलू पे आएंगे कि आजकल क्या पोजीशन है। आजकल चूंकि कोविड की वजह से सब लोगों को हिदायत दी गई कि घर में बैठे, बाहर ना निकले, आ नहीं पाते हैं, इसमें भी हमारा जो हेल्पलाइन चल रही है यहाँ पे उन सब लोगों को, क्योंकि ये सर्कल जो है वो हमसे पहले ही जुड़ा है थ्रू रेड क्रॉस, तो ये हमसे पहले ही जुड़ा है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ टेलीफोन नंबर आते हैं या हमारे जो इंटरनल साइट्स हैं, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है, जो इंटरनल ग्रुप्स हैं,
जितने भी ऑफिसर्स लाइन डिपार्टमेंट हेल्थ वगैरह जुड़े हैं वो हमें मैसेज कर लेते हैं, किसी भी अफसर को मैसेज कर लेते हैं, ट्रिकल डाउन हो जाती हैं फिर वापस वो इसी ग्रुप पे। तो आप ये भी जानकर खुश होंगे कि डीसी साहब को ज़्यादा कॉल्स आती हैं। इन दिनों मैं बताऊँगा कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने जितने भी हमें वो अकाउंट नंबर भी दिए, जो आपका सवाल है कि अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होना, जो मुख्तलिफ जगह फंसे हैं, शायद बाहर भी फंसे हैं, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 जितना जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ती है, जितनी पॉसिबिलिटी होती है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के साथ हो गया है, वो शुरू हो गया। मुझे ये दूसरा सवाल आपको कहना है, यहाँ ऑटो ड्राइवर है जी, यहाँ टैक्सी ड्राइवर है जी, यहाँ बस ड्राइवर है जी, कंडक्टर है जी, उन बेचारों को खाने को कुछ नहीं है इस वक्त, क्या पोजीशन है इस वक्त? लॉकडाउन है, कर्फ्यू नहीं है, इस वक्त जान बचाने की कोशिश करनी है। कश्मीर में मुझे शुक्र खुदा का इतना फसल तो रहा है, यहाँ हमारे लोग बड़े ट्रेंड है, 30 साल से तो हम ये प्रैक्टिस में ही हैं कि कैसे ऐसी दुश्वारियों के दौरान आदमी बचा जाए, 10 दिन 15 दिन जो 20 दिन का प्रॉब्लम, ये तो 8 ही दिन हो गए लॉकडाउन के। तो यहाँ एक और अच्छी मैकेनिज्म है हमारे स्टेट में, हमारे इस कश्मीर वैली में, डिस्ट्रिक्ट में भी, कि यहाँ एक दूसरे के लोग बहुत मदद करते हैं, मोहल्ले, यहाँ आप चाहे मस्जिद कमेटी हो, चाहे NGO हो, चाहे सरकार हो, हर इंसान यहाँ दौड़ता है किसी की मदद के लिए। ये तो हम उस मामले में खुशकिस्मत हैं। रही बात दूसरी कि क्या इंडिविजुअली अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऑटो ड्राइवर हो या कोई मजदूर हो, जैसे ही कोई सरकार की पॉलिसी ऐसी बनेगी तो सबसे खुशी की बात होगी कि उनको ऑटो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अभी कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि ऑटोमेटिकली जो जो बेचारे दिन में कमाते हैं उनके अकाउंट में चला जाता, वो अभी वैसा ऑटोमेटिक सिस्टम इन प्लेस नहीं है। लेकिन जितना बन पड़ता है सिस्टम में, 24 घंटे ऑनलाइन हैं सब ऑफिसर्स, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, अलग अलग नोडल ऑफिसर बने हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो सब जुड़े हैं, जितना पॉसिबल हो जाता है आसान कर देते। आज की बात मैं बताऊंगा, अभी हमें किडनी हॉस्पिटल से वो डायलिसिस पेशेंट्स कुछ आते हैं, 10 डायलिसिस पेशेंटों को कुछ पैसे की ज़रूरत थी, डीसी साहब ने बताया उनको ऑटो ट्रांसफ़र किया जाए, वो हो रहा है। अभी आपके सामने भी 2-3 पेशेंट आए थे, वी डोंट वेट फॉर अ मिनट, बट ये बात सच है कि कुछ लोग पहुँच पाते, कुछ लोग नहीं पहुँच पाते, सिस्टम इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है।